बाहर से तो आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर है, लेकिन मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ सारी चीजों की फैसिलिटीज होती है, सब कुछ होता है, वॉशरूम होता है, टीवी होता है, बिल्कुल बेडरूम जैसा आपको लगेगा। कॉफी पेड होती है भैया कितने की? 15 रुपए की कॉफी है, आप बीच में कभी पी सकते, जो रहता है उसके लिए फ्री होता है क्या? नहीं नहीं। Hey, तो नमस्ते दोस्त, दिस इज साहिल विजडम हियर, और अभी मैं आ चुका हूँ नेत्रहाट में। नेत्रहाट का मार्केट यहाँ से जस्ट 200 मीटर दूरी पे है, तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल प्रभात विहार की तरफ। मेरी जैसे कहीं भी बुकिंग नहीं है, वहाँ पे जाकर के देखूंगा कि कैसा है, सुना है नाम। यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो है होटल प्रभात विहार, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं, स्टे करते हैं कैसा है। और पहाड़ों के बीच में है ये बना हुआ, काफ़ी सुनसान है, बिल्कुल अजीब सा लग सकता है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। तो अभी वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे और भी। बहुत शांति इधर, बहुत शांति, मतलब बिल्कुल सुनसान है। अगर आप अकेले आते हैं तो बिल्कुल में मतलब हिम्मत है अगर अपनी लाइफ को अकेले एक्सप्लोर करने का, एडवेंचरस चीज़ें करने का, तो ठीक है, वरना आप बोर हो सकते हैं। और अगर दोस्तों लोग के साथ आते हैं तो और भी अच्छा है। तो अभी मैं आया था होटल प्रभात विहार में बुकिंग के लिए, बट यहाँ पे मतलब झारखंड सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग है, बट थोड़ा महंगा है। मतलब मिनिमम आपको 2000 रुपये से और मैक्सिमम 6000 तक के रूम आपको मिलेंगे, जिसमें एसी वगैरह पूरा सुपर डिलक्स, मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। तो अगर आपका उतना बजट है तो आप रह सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कितना कम से कम बजट में रह लूँ, कि अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप रूम में रहने में कम एक्सपेंस करें और घूमने में ज़्यादा एक्सपेंस करें। ये है होटल सनराइज़, ये होटल है बाहर से, आप कुछ ऑनलाइन वगैरह बुकिंग करनी है तो कर सकते हैं। ये यहाँ का फ़ोन नंबर है। अभी मैं हूँ यहाँ पे होटल सनराइज़ में, जो कि नेत्रहाट में है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही तरह के यहाँ पे टेंट होते हैं, टेंट का चार्ज लाइक 1500 रुपीज़ आता है आपको। तो मैं आपको अंदर से दिखा देना चाहता हूँ कि 1500 रुपये का जो टेंट होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है और अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से तो आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर है। सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती है, सब कुछ होता है, वॉशरूम होता है, टीवी होता है, बिल्कुल बेडरूम जैसा आपको लगेगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऐसा होता है जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल मिलता है और एक छोटे चेयर मिलते हैं। यहाँ पे आप अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सारी कर सकते हैं। यहाँ पे नेट दी हुई है जो कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो ज़रूर हो सकती है आपको। अगर रात को सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऐसे ताले दिए जाते हैं, ताले के साथ आप इसको लॉक कर सकते हैं पूरा, तो सेफ्टी की भी। जैसे ही आप खोलेंगे इसको, खोलने के बाद ये है आपका कमरा। कमरे में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये आपका यहाँ पे मिरर है, आप अपना कुछ कीमती सामान यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपका एक डस्टबिन है, यहाँ पे एक चेयर है। अगर आप सोचें कि यहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब थोड़ी हवा नहीं आए, तो उसके लिए भी यहाँ पे खिड़की भी है प्रॉपरली। आप देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं अगर दिन में है तो। रात को आप आपकी मर्ज़ी आप बंद कर सकते हो, दिन में आप इसको खोल सकते हो, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सीलिंग फ़ैन तो नहीं लग सकता यहाँ पे, लेकिन एक फ़ैन यहाँ पे लगती है इस तरीके की। ये आपका बेडरूम है, बिल्कुल आपको अंदर से लगेगा ही नहीं कि आप टेंट के अंदर हैं। तो आपके पास यहाँ पे सारे लाइन्स स्विच वगैरह है, सब कुछ, टीवी है पूरा। तो मैं बाथरूम सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब लोगों को लगता है अगर टेंट पर रह रहे तो बाथरूम कहाँ जाएंगे, नहाने कहाँ जाएंगे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है। 1500 रुपये का है, मैंने रात यहीं पर गुजारा था, बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको, आप जब भी आओ तो आप एक बार चेकआउट कर लेना अपने मन से, लाइक आपको अच्छा लगे, सेफ़ लगे। मतलब सेफ्टी इशू है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कपल वगैरह है तो आप उसकी भी ध्यान रख सकते हो। वैसे होटल वालों की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी है, बट फिर भी आप अपना देख सकते हो। तो अभी बाथरूम देखिए, बाथरूम देखिए, वाओ फैंटास्टिक, ये बिल्कुल होटल के रूम से भी ज़्यादा क्लीन है। आप देख लो, पूरी की पूरी प्राइवेसी है। आप बाथरूम को भी यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ पे ताले भी लगा सकते हो, यहाँ पे गीज़र भी है। वॉशरूम भी जो है वो काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है, ऐसे नहीं कि कंजेस्टेड है, सारे सीमेंट के बने हुए हैं। तो
ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आप मस्त यहाँ से बैठ सकते हैं और साबुन भी फ्री में मिल सकता है। से बाहर आते हैं जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरा गार्डन है, मतलब चारों साइड से बाउंड्री है, तो कुछ भी जंगली जानवर वगैरह आने के चांसेस नहीं है। इधर से ऊँचे ऊँचे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, अच्छे से पैकिंग की गई है ताकि मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको इस होटल का बाहर से भी दिखा दूँ, यहाँ पे कमरे भी मिलते हैं टेंट के अलावा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और भी कमरे हैं, जैसे यहाँ पे होटल्स है टेंट के बाद में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रुका नहीं था, बट ये भी आपको अभी के टाइम पे आपको 1000-1500 रुपये के रेंज में आएगा। यहाँ पे भी टीवी है, बाथरूम है। अगर आप बैचलर हो यार तो टेंट में रहो, टेंट का तो मज़ा पूछो मज़ा, फिर दोस्त लोग के साथ आ रहे हो तो। लेकिन कमरे में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि आप एडवेंचर करने आए हो। ये रहा होटल सनराइज, इस होटल में 6-7 कमरे हैं। ये यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी मिलते हैं। कॉफ़ी पेड होती है भैया कितने की? 15 रुपये के कॉफ़ी है, आप बीच में कभी पी सकते, जो रहता है उसके लिए फ्री होता है क्या? नहीं। ओके okay, और ये टेंट का रेंट क्या है? 1500 रुपये। आप यहाँ पे होटल में मैनेजर है, तो ये है होटल सनशाइन, इसका मैं बाहर से व्यू आपको दिखा सकता हूँ। बारिश हो रही है, जल्दी से मुझे निकलना है, बारिश हो रही है, निकलना है मुझे, निकलना है।